आज है आपका प्रिंटिंग, टेक्सटाइल प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग में क्या है बेसिकली, इसका डेफिनेशन अगर देखें तो ये एक प्रोसेस है जिसमें आप थिकनर यूज करके शार्प डिजाइन प्रिंट करते हो सरफेस पे, कपड़े की पे, ठीक। और प्रिंटिंग के बाद हम थिकनर को रिमूव कर देते हैं जनरली, क्योंकि तो थिकनर का काम होता है सिर्फ आपको कलर पेस्ट जो है ना, कलर जो है उसको विस्कस फॉर्म में रखना, पेस्ट फॉर्म में रखना। तो आपने प्रिंट करने के बाद हम जनरली थिकनर को रिमूव कर देते हैं ताकि फैब्रिक आपका सॉफ्ट हो जाए, ठीक। तो प्रिंटिंग को आप लोकलाइज डाइंग भी कह सकते हैं, यानी एक पर्टिकुलर एरिया पे हमें कलर करना है तो उसको हम प्रिंटिंग कहते हैं, ठीक। तो प्रिंटिंग का ये मैंने बताया था कि प्रिंटिंग आप अपने फैब्रिक प्रिंटेड है या डाइड है ये कैसे पहचानोगे, कि आप रिवर्स करके देखो कपड़े को, अगर दोनों साइड में सेम कलर है तो वो डाइड होगा, अगर एक साइड में सिर्फ एक साइड में ही कलर है तो आपको वो प्रिंट फैब्रिक होगा। प्रिंटिंग तो प्रिंटिंग में भी हम डाइज ही यूज करते हैं, जो हम डाइंग में डाई बताई थी ना वो डाइज भी यूज करते हैं और पिगमेंट भी यूज करते हैं, ठीक। बस प्रोसेस अलग है वो डाई को करने का कपड़े को। तो डाइंग सर, एट और कॉटन कॉटन हाँ बोलिए। 80s वॉइल और 100 जो वॉइल होती है काउंट, इसमें तो सेम दिखाई देता है सर, फेस बैक दोनों सेम होता है प्रिंट में सर। कौन सा कॉटन? जो 100 काउंट का फैब्रिक होता है और 80 हाँ, काउंट का फैब्रिक होता है। 100 काउंट मतलब बहुत बहुत फाइन हो गया ना, तो बहुत हाँ पतला बिल्कुल कपड़ा होता है ना, तो आप प्रिंट करते हो तो उसका थोड़ा इम्प्रिग्नेशन आपको बैक साइड में भी दिखाई देगा, लेकिन आप शेड मैच करोगे ना तो एग्जैक्ट नहीं होगा, दूसरी साइड में बहुत ही लाइट दिखाई देगा वो, मतलब जी जी एक होगा साइड में बहुत ब्राइट देगा, एक साइड में लाइट, क्योंकि बहुत ही फाइन फैब्रिक हो गया 100 काउंट। ये पतला कपड़ा होता है ज्यादा तो उसमें बैक साइड तक चला जाता है। 20 ग्राम के समथिंग में जीएसएम होता है इसका। हाँ, तो ये 100 काउंट मतलब अपने आप में फाइन हो गया वो ऑलरेडी। तो डाइंग और प्रिंटिंग में क्या डिफरेंस है कि डाइंग में हम यूनिफॉर्म एप्लीकेशन दो कपड़े के दोनों साइड में करते हैं और प्रिंटिंग में हम एक साइड में ही करते हैं। डाइंग में कलर डाइल्यूट फॉर्म होता है, यानी हम डाइंग में सॉल्यूशन बनाते हैं, कलर मिक्सिंग करते हैं पानी में, और प्रिंटिंग करते हैं पेस्ट फॉर्म में, मतलब थोड़ा थिक होता है प्रिंटिंग का जो पेस्ट होता है वो, ठीक। डाइंग में जैसे आपको अगर शेड करना है तो हाफ ब्लीचिंग ही जाए, अगर आपको कपड़ा व्हाइट नहीं रखना कोई भी डाई करना है तो, लेकिन ब्लीच इसमें प्रिंटिंग में आपको फुल ब्लीच करना पड़ेगा कपड़ा, ठीक। डाइंग में आपका कलर कपड़े में अंदर जाता है, प्रिंटिंग में कपड़े पे सरफेस पे ही रहता है। डाइंग में आपको टाइम भी ज्यादा लगता है, प्रिंटिंग में आपका टाइम कम लगता है, ठीक। डाइंग में आपका फैब्रिक को हम जनरली वेट करके डालते हैं डाइंग के लिए, जब डाई करते हैं तो हम पहले कपड़े को गीला करते हैं फिर हम डाइंग करते हैं। प्रिंटिंग में ऐसे जरूरी नहीं, प्रिंटिंग में आप ड्राई स्टेट में रख सकते हो कपड़ा, ठीक। डाइंग में आप एक ही मशीन पर सारा काम होता है, प्रिंटिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, थोड़ा जटिल है, इसमें कई सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। डाइंग में पानी ज्यादा लगता है, प्रिंटिंग में पानी कम लगता है। तो अब है तो आपका मेन चीज कि प्रिंटिंग में है दो चीजें मेन, एक है स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग, एक है मेथड ऑफ प्रिंटिंग, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें, इनमें डिफरेंस समझ लेना आप। डिफरेंस स्टाइल्स और टेक्निक्स ऑफ प्रिंटिंग अलग है और डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिंटिंग अलग है, ठीक। तो एक ही जो स्टाइल है, यानी डायरेक्ट जैसे ये स्टाइल है, ये तीन तीन स्टाइल या टेक्निक ऑफ प्रिंटिंग है, डायरेक्ट प्रिंटिंग, डिस्चार्ज प्रिंटिंग और रजिस्ट प्रिंटिंग। तो डायरेक्ट प्रिंटिंग से आप तीनों मेथड यूज कर सकते हो, प्रिंटिंग के जो मेथड है ना वो आपके वो रहेगी, आपका ब्लॉक प्रिंटिंग है, स्क्रीन प्रिंटिंग है, रोलर प्रिंटिंग है, दो चार प्रिंटिंग मेथड्स और ये प्रिंटिंग स्टाइल है। तो एक प्रिंटिंग स्टाइल में आप तीन सारे प्रिंटिंग मेथड यूज में कर सकते हो, है तो वो बताएंगे डिफरेंस कैसे है। तो प्रिंटिंग के स्टाइल या प्रिंटिंग टेक्निक जो होती है वो होती है डायरेक्ट स्टाइल, डिस्चार्ज प्रिंटिंग और रजिस्ट प्रिंटिंग, ये तीन मेन है। तो डायरेक्ट प्रिंटिंग क्या होता है कि जो हम डायरेक्ट प्रिंटिंग है कि हम कलर को डायरेक्टली कपड़े पे अप्लाई करते हैं, मान लो ये आपका प्रिंटिंग डिजाइन है, ये आपका फैब्रिक है, तो ये डायरेक्ट कपड़े पे अप्लाई किया हम, इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रिंटिंग। यानी जो हम नॉर्मल स्क्रीन प्रिंटिंग और ये सब करते हैं ना, इसको डायरेक्ट प्रिंटिंग बोलते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग हुआ कि कपड़ा लिया, कलर लिया और कपड़े पे अप्लाई कर दिया हम, उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट प्रिंटिंग। रजिस्ट प्रिंटिंग में क्या है कि हम कपड़े के किसी किसी हिस्से पे ऐसा केमिकल
या ऐसा मैकेनिकल तरीके से ऐसा कुछ अरेंजमेंट करते हैं कि जब हम कपड़ा डाई कर रहे हैं तो वो हिस्से पे कलर नहीं जाए कपड़े का। तो रेजिस्ट प्रिंटिंग आपका दोनों तरीके से होता है, मैकेनिकल रेजिस्ट और केमिकल रेजिस्ट। मैकेनिकल रेजिस्ट होता है आपका टाई एंड डाई, ठीक है, टाई एंड डाई आप लोग जानते हो। टाई एंड डाई में क्या करते हैं, हम धागे से या रबर से कपड़े को एक पर्टिकुलर जगह पे से बांध देते हैं, ठीक, और उसके बाद उसको डाई कर देते हैं। तो जो जो कपड़ा हमने जो जो हिस्सा बांधा है वो हिस्से पे कलर नहीं आएगा, बाकी हिस्से पे कलर आ जाएगा। तो सेम आप उसमें भी कर सकते हो, केमिकल से भी कर सकते हो, यानी आप प्रिंटिंग प्रेस बनाओगे विद यूजिंग सम केमिकल्स, ठीक है, रेजिस्ट केमिकल्स, उसमें डाई नहीं होगा प्रिंटिंग पेस्ट में, ठीक है, और वो प्रिंटिंग पेस्ट आप कपड़े पे प्रिंट कर दोगे उसके बाद आप कपड़े को डाई करोगे, तो जो जो हिस्सा प्रिंट किया है ना हमने केमिकल से वो हिस्से पे डाई नहीं जाएगा, ठीक। तो ऐसे डिजाइन आपका फॉर्म होगा। देखो फॉर एग्जांपल ये आपका सफ़ेद कपड़ा है, ठीक, सफ़ेद कपड़े में हमने ये प्रिंट मार दिया स्टार, प्रिंटिंग के बाद हमने कपड़े को डाई किया नीले कलर से, तो ये जो जहाँ जहाँ हमने प्रिंट किया है ना वहाँ वहाँ कपड़ा वाइट रहेगा, तो बाकी जगह आपका कलर दूसरा आ जाएगा। तो ये वाइट भी हो सकता है, ये आपके वैसे कलर वो भी हो सकता है रेजिस्ट। कलर में हम क्या करेंगे कि ये जो प्रिंट मारा है इसमें डाई भी होगी और रेजिस्ट केमिकल भी होंगे, तो क्या जब आप उसको डाई करोगे बाद में तो आपको यहाँ पे अलग कलर रहेगा, यहाँ पे अलग कलर रहेगा। तो रेजिस्ट में और डिस्चार्ज में मेन जो डिफरेंस है ना वो ये है कि रेजिस्ट प्रिंटिंग में हम पहले करते हैं प्रिंटिंग, बाद में करते हैं डाई, ठीक। डिस्चार्ज में है उल्टा, डिस्चार्ज में हम पहले करते हैं डाइंग और बाद में करते हैं हम प्रिंटिंग सीक्वेंस। आया गया ये बच्ची समझ में आप लोगों के? जी सर। तो ये जो डिस्चार्ज प्रिंटिंग में क्या करोगे आप, पहले डाई कर दोगे कपड़े को, ठीक, फिर डिस्चार्जिंग केमिकल्स लेके वो पर्टिकुलर हिस्सा जिस पे आपको डिजाइन बनाना है वहां से हम कलर को डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी वो कलर उड़ जाएगा, तो उसको तो बोलते हैं हम वाइट डिस्चार्ज। यहाँ सिर्फ आपको कलर उड़ाना है और कलर उड़ा के आपको दूसरा कलर भी उस पर अप्लाई करना है, उसको बोलते हैं हम कलर डिस्चार्ज। तो उस केस में क्या करेंगे, डिस्चार्जिंग केमिकल के साथ साथ हम डाई भी यूज करेंगे। अब लेकिन इसमें ये आपको देखने वाली चीज होती है कि आप जो डिस्चार्जिंग केमिकल के साथ जो डाई यूज कर रहे हो ना वो एक स्पेशल डाई होनी चाहिए, यानी वो ऐसी डाई होनी चाहिए जिस पर डिस्चार्जिंग केमिकल का कोई इफेक्ट ना हो, क्योंकि डिस्चार्जिंग केमिकल यहाँ डाई को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो वो ऐसा केमिकल होना चाहिए कि जो ये जो आप डाई प्रिंटिंग पेस्ट में ऐड कर रहे हो उस पे इफेक्ट ना करे, वो उससे डिस्ट्रॉय ना हो, तो डिस्चार्जिंग कंपेटिबल डाई होनी चाहिए, ठीक। तो ये थे आपके स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग। तो डायरेक्ट ऑफ स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग में क्या है कि डाई इज अप्लाइड ऑन टू द फैब्रिक बाय ब्लॉक स्टेंसिल स्क्रीन रोलर प्रिंटिंग, हर मेथड से आप कर सकते हो। डाई इज इम्प्रिंटेड ऑन द फैब्रिक इन पेस्ट फॉर्म एंड एनी डिजायर्ड पैटर्न में भी प्रोड्यूस। तो डाई हम लेते हैं और कपड़े पे सरफेस पे अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका ब्लॉक प्रिंटिंग हुआ, रोलर प्रिंटिंग हुआ, स्क्रीन प्रिंटिंग हुआ, ये आपको एक एग्जाम्पल है कि भाई डाई कपड़े पे डायरेक्ट अप्लाई करके हम ये सब डिजाइन प्रोड्यूस करते हैं, ये डायरेक्ट स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग है, ठीक। नेक्स्ट है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज प्रिंटिंग में क्या है कि पहले कपड़ा होगा डाई, ठीक है, डाई होगा पहले कपड़ा, फिर उसके बाद हम उसको जो डाई किया है जो जो कलर डिजाइन बनाना है वहाँ वहाँ वो हिस्से से हम वो कलर को रिमूव कर देंगे, उड़ा देंगे या डिस्ट्रॉय कर देंगे बाय यूजिंग सम केमिकल्स, डिस्चार्जिंग केमिकल्स, ठीक है। सो इन दिस मेथड फैब्रिक इज डाइड देन प्रिंटेड विद द केमिकल दैट विल डिस्ट्रॉय द कलर इन डिजाइंड एरिया। Sometimes the base color is removed and another color printed in its place. तो कई बार क्या कि आपने कपड़ा डाई किया सपोज रेड कलर का, ठीक है, अब रेड कलर से आप दो तरीके से डिस्चार्ज कर सकते हो, एक तो रेड कलर का बैकग्राउंड रहे आपका व्हाइट प्रिंट हो उस पर, तो इन दैट केस आप डाई यूज नहीं करोगे, सिर्फ डिस्चार्जिंग केमिकल लोगे और वो प्रिंट मार दोगे वो एरिया पे, तो जहाँ जहाँ प्रिंट करोगे वहाँ वहाँ से जो रेड कलर है वो आपका हट जाएगा और कपड़ा आपका व्हाइट हो जाएगा। लेकिन आपको रेड कलर चाहिए प्रिंट आपको ये ब्लू, तो उस केस में क्या करेंगे कि हम जो डिस्चार्ज केमिकल के साथ साथ ब्लू डाई भी यूज करेंगे, तो उसमें क्या होगा, डिस्चार्जिंग केमिकल रेड कलर को डिस्ट्रॉय करेगा, हटाएगा और ब्लू कलर को उस जगह पे प्रिंट कर देगा। तो ये आपका दो तरीके से डिस्चार्ज प्रिंटिंग है। तो ये जो व्हाइट वाला है ये मान लो आपका डाइड कपड़ा है,
या आपने डिस्चार्ज प्रिंट पेस्ट को आपने यहाँ प्रिंट किया यहाँ यहाँ ये डिजाइन में, तो इसको बोलते हैं वाइट डिस्चार्ज। लेकिन यहाँ आपको ये कलर करना है रेड कलर, तो इसमें डिस्चार्जिंग पेस्ट के साथ साथ आप उसमें डाइंग भी ऐड करते हो, डाई भी ऐड करते हो, तो जब आप प्रिंट करोगे तो ये ब्लू कलर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उड़ जाएगा और ये कलर आपका वहाँ प्रिंट हो जाएगा। ठीक, तो ये हम बेसिकली वहाँ यूज में लेते हैं जहाँ पे फाइन प्रिंट, फाइन मतलब ऐसे डॉट डॉट प्रिंट वाले होते हैं ना, छोटा डिजाइन होता है। ठीक, समझ रहे हो कि आपको जैसे हाँ क्या बोलते हैं उसको, छीटदार डॉटेड प्रिंट नहीं होते, बहुत से ड्रेस शर्ट वो देखे होगा आपने जहाँ डॉट डॉट वाले प्रिंट, उस टाइप के प्रिंट में हम ये यूज करते हैं, क्योंकि वहां जहाँ प्रिंटेड एरिया छोटा है आपका, यानी प्रिंटेड एरिया छोटा है और बेस जो कलर है वो बड़ा है। अगर आपका प्रिंटेड एरिया बड़ा है तो वहां डायरेक्ट स्टाइल यूज करेंगे, डिस्चार्ज स्टाइल यूज नहीं करेंगे। ठीक, तो ये वहां हम काम में लेते हैं। नेक्स्ट आपका रेजिस्ट प्रिंटिंग। तो रेजिस्ट प्रिंटिंग में भी आपका मैकेनिकल रेजिस्ट होता है और केमिकल रेजिस्ट होता है। तो मैकेनिकल रेजिस्ट में आपका आता है टाई एंड डाई और बतिक प्रिंटिंग। टाई एंड डाई में तो हम क्या करते हैं, धागे से या रबड़ से कपड़े को रस्सी से बांध के डालते हैं। हाँ, रस्सी से बांध के डालते हैं। और बतिक में हम वैक्स से यूज करते हैं, वैक्स यूज करते हैं जो कलर को रोकता है पर्टिकुलर एरिया जाने से। और केमिकल रेजिस्ट में क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे विद केमिकल रेजिस्टिंग केमिकल्स जो कलर को उस पर्टिकुलर एरिया पे जाने से रोकता है, रेजिस्ट करेगा। तो इसमें क्या है कि इसमें पहले हम प्रिंटिंग करेंगे और बाद में हम डाइंग करेंगे, और डिस्चार्ज में पहले डाइंग कर रहे थे कपड़े की, बाद में हम प्रिंट कर रहे। ठीक, ये थे आपके स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग, कौन कौन से, डायरेक्ट स्टाइल, रेजिस्ट स्टाइल और डिस्चार्ज स्टाइल, इनको बोलते हैं स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग। अब ये रही बात मेथड की, तो जैसे रेजिस्ट प्रिंटिंग में भी क्या कर रहे हैं, हम कर तो प्रिंट ही रहे, चाहे केमिकल प्रिंट कर रहे हैं, डाई प्रिंट नहीं कर रहे, तो वो केमिकल प्रिंटिंग आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, ब्लॉक प्रिंटिंग से भी कर सकते हो, स्क्रीन प्रिंटिंग से भी कर सकते हो, ठीक है, और आपका रोलर प्रिंटिंग से भी कर सकते हो। सेम आप डिस्चार्ज प्रिंटिंग में कर सकते हो, कि डिस्चार्जिंग पेस्ट आपको अप्लाई करना है प्रिंटिंग के लिए, तो आप ब्लॉक से भी कर सकते हो, स्क्रीन से भी कर सकते हो और रोलर से भी कर सकते हो। तो किसी भी स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग में कोई सा ही मेथड ऑफ प्रिंटिंग आप यूज में ले सकते हो। ठीक, स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग है आपका डायरेक्ट स्टाइल, डिस्चार्ज स्टाइल और रेजिस्ट स्टाइल। अब नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ प्रिंटिंग। तो मेथड ऑफ प्रिंटिंग बेसिक है आपके ब्लॉक प्रिंटिंग, स्टेंसिल प्रिंटिंग, ये पहले बीच में यूज होता था, बट इट इज समवर्ट लाइक, ये ऑलमोस्ट स्क्रीन प्रिंटिंग जैसा ही है। ठीक है, स्टेंसिल प्रिंटिंग। फिर आता है आपके ऑटोमेटिक फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग, रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग और देन ट्रांसफर प्रिंटिंग, और आजकल डिजिटल प्रिंटिंग भी आ गया है। ये आपके प्रिंटिंग के मेथड है। सबसे पहला ब्लॉक प्रिंटिंग, ये सबसे पुराना मेथड है। ठीक है, सबसे इजी तो प्रिंटिंग टेक्निक है सर, प्रिंटिंग टेक्निक हम इसी को कहते हैं ना? नहीं, प्रिंटिंग टेक्निक स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग को कहते हैं हम डायरेक्ट, और उसको ये प्रिंटिंग मेथड है। प्रिंटिंग टेक्निक और प्रिंटिंग स्टाइल वो एक ही चीज है, एक ही चीज। हाँ, okay. ये प्रिंटिंग मेथड है। प्रिंटिंग मेथड मतलब आपका ब्लॉक प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग और ये सब जो आएगा। okay, sir. तो इससे क्या क्या हुआ है कि इससे जो कलर वैल्यू है आपका, प्योरिटी एंड रिचनेस ऑफ कलर बहुत अच्छा होता है ब्लॉक प्रिंटिंग में। ब्लॉक जो यूज किए जाते हैं, आपने देखा है ब्लॉक कभी, ब्लॉक प्रिंटिंग का? हाँ जी, लकड़ी का जनरली होता है। आजकल तो सर मेहंदी भी लगा देते हैं उसमें। आजकल तो वो हाथों पे वो लगाने के लिए भी आता है स्टैंप, हमारा सिंपल ब्लॉक छोड़ो आप, मोहर जो होती है, सील जो हम लगाते हैं, मोहर स्टैंप, बिल्कुल। हाँ हाँ, वो ब्लॉक ही तो है वो, तो दैट इज आल्सो ब्लॉक। तो डेप्थ ऑफ कलर है कि उसमें आपने जो डिजाइन ब्लॉक पे कितना अच्छे से कार्व किया है उस पर डिपेंड करता है। ठीक, अब इसमें भी क्या, इसके कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है, तो मैं बताता हूँ आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। वैसे क्या होता है कि आप इसको प्रिंटिंग कैसे करते हो, कि आपका प्रिंटिंग पेस्ट हमने तैयार ले लिया, तो जैसे स्टैम्प के लिए हम स्टैम्प पैड होता है ना,
मोहर लगाने के लिए स्टैम्प पैड होता है, ऐसे प्रिंटिंग के लिए हम प्रिंटिंग का वो प्रिपेयर करते हैं जिसमें 3-4 कपड़े डालते हैं, ठीक है, उसके ऊपर प्रिंटिंग पेस्ट डालते हैं, फिर उस पर हम ब्लॉक रखेंगे, वही ब्लॉक फिर हम कपड़े पे रखेंगे। कपड़ा आपका स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में, क्रीजेज नहीं होनी चाहिए कपड़े पे, बिल्कुल साइड से पिन करते हैं हम कपड़े को ताकि हम डिजाइन मैच अच्छे से कर सकें। हर कलर और हर डिजाइन के लिए अलग ब्लॉक काम मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपको कलर डिजाइन में 3 कलर हैं तो तीनों कलर के लिए अलग अलग ब्लॉक काम में लिया जाएगा। एक सिर्फ आउटलाइन प्रिंट करेगा, ठीक है, एक ब्लॉक। जैसे फूल बनाना है तो फूल का बाउंड्री आपका ब्लैक है, तो फूल का बाउंड्री एक ब्लॉक आपका फूल का बाउंड्री प्रिंट करेगा ब्लैक कलर के, और मान लो फूल का अंदर का कलर रेड है, सेकंड ब्लॉक अंदर में कलर फ्लो फिल करेगा रेड कलर का, और मान लो आपकी पत्तियां ग्रीन कलर की रखी है आपने उसके, तो जो पत्तियों में कलर करोगे उसके लिए थर्ड ब्लॉक होगा जो आपको सिर्फ पत्तियों को कलर करेगा। तो डिजाइन मैचिंग करना भी एक वो है कि जो आपका ब्लॉक प्रिंटिंग कर रहा है उसको पता होना चाहिए डिजाइन कि हमें ब्लॉक कहाँ पे रखना है। तो इसमें थोड़ा स्किल की जरूरत होती है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है, नॉर्मल आदमी करेगा तो थोड़ा डिफिकल्टी आएगी। और उसके अलावा आप कितना प्रेशर यूज कर रहे हो कि आप जब मोहर मार रहे हो तो कभी देखते हैं ना, मोहर लगाते हैं तो कभी लाइट आ जाती है, कभी डार्क आ जाती है, लेकिन प्रिंटिंग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब इक्वल आना चाहिए। तो जो आदमी कर रहा है, जिसको प्रैक्टिस है, उसको पता है कि मुझे कितना जोर से ठप्पा ब्लॉक का लगाना है जिससे कि सबका कलर इवन आए। तो ये आपका उसका वो जो वो हम पैड प्रिपेयर करते हैं वो रहता है, ये वुडन टेबल 3-4 लेयर जूट का फैब्रिक डाल देते हैं, कॉटन का कपड़ा डाल देते हैं, ठीक है। ये आपके वो है प्रिंटिंग टेबल बनाने के लिए, ठीक है। प्रिंटिंग टेबल में आप कपड़ा रखोगे ना तो नीचे सपोर्ट के लिए हम 3-4 लेयर वो रखते हैं, 3-4 लेयर कपड़ों की रखते हैं जो कपड़ा प्रिंट करना है उसके नीचे, ताकि आपका जो आप स्टैम्प मार रहे हो, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कपड़े पे आप स्टैम्प मारोगे तो आप नीचे हार्ड सरफेस होगी तो अच्छे से कलर पिक करेगा नहीं, इसलिए नीचे उसके सॉफ्ट सरफेस होनी चाहिए कपड़े की। तो उसके नीचे 4-5 लेयर ऑफ क्लॉथ हम लगाते हैं, उसके बाद कपड़ा रखते हैं जो प्रिंट करना है। वेस्ट फैब्रिक होती होगी ना तो? हाँ, वेस्ट फैब्रिक की होती है, ठीक। और इसके बाद पिन भी करते हैं हम इसको साइड से ना, टेप लगा के आल पिन लगा के हम फिक्स करते हैं कपड़े को, ताकि जो आप प्रिंट कर रहे हो उस टाइम हिले नहीं वो कपड़ा, जब आप ब्लॉक मार रहे हो तो हिले नहीं कपड़ा, तो इसको साइड से पिन भी करते हैं हम कपड़े को। ये आपके वो रहता है पैड, जैसे आपके स्टैम्प पैड रहता है वैसे ही ये आपका उसके लिए पैड रहेगा प्रिंटिंग के लिए। तो इसमें भी ऐसे ही है कि जैसे स्टैम्प पैड होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, बस थोड़ा बड़ा रहेगा, ट्रे रहेगा उसमें 4-5 पैड भी हर कलर का अलग अलग रहेगा, और जो ज्यादा कलर नहीं करते हैं इसमें, 2-3 कलर मैक्सिमम ज्यादा रहता है आपका, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि बेस जो बेस फैब्रिक होती है, बेस का एक कलर होता है उसके ऊपर ज्यादा एक या दो कलर और ऐड करते हैं, क्योंकि फिर आप जितना फाइन डिजाइन बनाओगे तो उसको प्रिंट करना मुश्किल है। और इसमें डिजाइन क्या मोस्टली बड़े बड़े होते हैं, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड फाइन डिजाइन नहीं रहेगा, ऐसे क्लियर फूल दिख रहा है, बड़ा फूल दिख रहा है ऐसा डिजाइन रहेगा, ऐसे बहुत ही शेडो वाले डिजाइन आप इसमें नहीं बना सकते, शेडो वाले डिजाइन कि जिसमें एक से दूसरा कलर का मिक्सिंग होता है ना, शेडो जो बनता है वो डिजाइन आप इसमें नहीं बना सकते हो। दूसरा, इसमें आपको फाइन लाइन बनानी है, सपोज पतली पतली लाइन बनानी है तो वो आप इसमें नहीं बना सकते, क्योंकि उसके लिए क्या करेगा आपको, मान लो आपको लाइन बनानी है कपड़े में पतली पतली, तो आपको ब्लॉक ऐसे ही पतला पतला रखना पड़ेगा, तो जो ब्लॉक बनेगा ना तो वो क्या आपका पतली लाइनिंग आपके बाहर की तरफ निकली होगी ब्लॉक में, तो वो टूटने का खतरा रहता है उसका, वो टूट जाती है। उसके लिए एक तरीका अपनाना था कि अब आज कुछ लोग वायर लगाते थे ब्लॉक में, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं है। तो जनरली इसमें जो डिजाइन होगी वो बड़ी और सिंपल डिजाइन होगी, नॉर्मल सी डिजाइन, ज्यादा डिफिकल्ट डिजाइन नहीं होगी, ठीक। तो इसके एडवांटेज तो है कि सिंपल है, डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, आपको प्रिंट ब्लॉक चाहिए, टेबल चाहिए और
पैड चाहिए जो आप इजीली बना सकते हो, कोई बड़ी हाई फाई मशीन चाहिए नहीं इसमें। डिजाइन इन एनी नंबर ऑफ कलर्स और एनी स्केल कैन बी प्रोड्यूस्ड, ये कहने वाली बात है कि डिजाइन एनी नंबर ऑफ कलर आप प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन बड़ा मुश्किल है। ठीक, क्योंकि आप मान लो इसका दोस्तों जो ये है जो हम जिसको हम मोहर कह रहे हैं, ये भी तो बनाना भी तो क्रिटिकल हो गया, बनते कैसे फिर ये उससे बनाते हैं इनग्रेव करके, उससे खाती बनाता है गुड़ वाला, तो ये हमारा वाला रबर का रहता है ना जो स्टैम्प आता है अपना, तो रबर का जुगाड़ है। हाँ, ये तो लेजर वेजर से बन जाता है कंप्यूटर से, लेकिन जो पुराना एंशियंट मेथड है ना जो लकड़ी के जो ब्लॉक बनते हैं उसको बनाने का अपना अलग प्रोसीजर है, वो भी एक मुश्किल प्रोसीजर है। फिर इसके अलावा एक लिमिटेशन और है इसमें कि आपको मान लो बहुत बड़ा डिजाइन बनाना है, बहुत ही बड़ा फूल बनाना है, तो आप थ्योरेटिकली तो आप बना सकते हो उतना बड़ा ब्लॉक, लेकिन वो ब्लॉक का वजन ज्यादा हो जाएगा। अब वो ब्लॉक को बार बार पेड़ पे लगाना, फिर कपड़े पे लगाना, और फिर बड़ा हो गया तो चारों तरफ प्रेशर भी इवन नहीं आएगा, तो वो भी एक डिसएडवांटेज है इसका कि आपको थोड़ा बड़ा डिजाइन बनाना है तो आप कंप्लीटली क्या जो ब्लॉक प्रिंट है सर, ब्लॉक प्रिंट क्या हैंड से ही होती है या मशीन भी यूज? हाथ से होती है, हाथ से, टोटल हाथ से, कुछ मशीन ब्लॉक प्रिंट टोटली हाथ से होता है। हाँ हाँ, कुछ सिर्फ हाथ से होती है। जो प्रेशर वगैरह देते हैं जैसे हम उसको कहना प्रेशर के लिए मशीन यूज नहीं कर सकते, जैसे पैड में ले गया जेसीबी टाइप का, पैड में ले गया उसको उठा के फिर अपना उस पर रख दिया, टाइम बहुत लग जाएगा ना, टाइम बहुत लग जाएगा ना, आप जैसे प्रेशर वगैरह से कुछ प्रेशर दोगे तो टाइम कितना लग जाएगा, और फिर आप हर बार कपड़ा ले जाओगे और कपड़ा में ड्राई भी करना होता है, ये आपके बहुत होता है अभी ब्लॉक प्रिंटिंग, ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, राजस्थान में जाओ तुम जयपुर वयपुर में खूब होता है अभी, स्पेशली बेडशीट पे काफी होता है ब्लॉक प्रिंटिंग। बिल्कुल सर, वहाँ पे टूर पे गए थे, वहाँ खुद देख के आए थे, आपके हाथ बना के दे रहा है। हाँ, ये दिल्ली में भी होते हैं शायद, मतलब है अभी ब्लॉक प्रिंटिंग होता है काफी जगह पे, वो खड़े खड़े बना के दे देता है तुरंत। हाँ, तुरंत बना के दे देता है, वो कपड़ा रखेगा टेबल पे और ठप्पा लगाएगा रेडी, उसी को ब्लॉक प्रिंट बोलते हैं। तब तक उस टाइम तक तो पता नहीं था ना सर हमें, पता चल रहा है, पता चल रहा है ये ब्लॉक प्रिंट है। तो इसके बाद आपका स्टेंसिल प्रिंटिंग, ठीक है, स्टेंसिल प्रिंटिंग जो है ये बेसिकली स्क्रीन से पहले ये होता था, बाद में इसी को मॉडिफाई करके स्क्रीन प्रिंटिंग बनाया। तो ये फोटो देख रहे हो आप लोग, ये फोटो देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये प्लास्टिक की शीट है एक, ठीक, जिसपे डिजाइन कट हुआ है, ये डिजाइन कट कर रखा है उस शीट। अच्छा अच्छा, वो शीट ये तो खाखा बोलते हैं, खाखा। हाँ, इस शीट को आप कपड़े पे रखो और ऊपर से कलर अप्लाई कर दो, तो जो डिजाइन कट हो रखा है वो ऐसे आपका कपड़े पे, देखो यहाँ देख रहे हो, ये प्रिंट हो जाएगा ऐसे। ठीक, तो ये आपका ये खाखा बोलते हैं, अलग अलग जगह है, बच्चे स्कूल काम के लिए बड़ा काम में लेते हैं इसको, कुछ लोग रंगोली बनाते हैं, क्विल्टिंग करते हैं ना सर, कुल्ट का जो प्रोडक्ट बनता है, जैसे कोई भी कुल्टिंग हैंड कुल्टिंग वाली जो प्रोडक्ट बनती है, तो कुल्टिंग करने के लिए मार्किंग करना होता है जैसे, तो उसके लिए यूज करते हैं इसको, खाके को, जैसे कहाँ कहाँ मतलब हैंड से कुल्टिंग करनी है उसकी, हाँ, सिलाई करनी है, तो उसके लिए ऊपर से एक वाटर सोलेबल एक मार्कर डालते हैं उसमें, वो पिगमेंट से मतलब मार्किंग करने, पिगमेंट से नहीं है सर, वाटर सोलेबल कलर आता है, वाटर सोलेबल जो वॉशिंग में निकल जाता है वो। हाँ जी, हाँ जी, पहले तो कॉलगेट यूज होता था जैसे पहले के जमाने में। हाँ, तो ये मॉडिफाइड, ये तो केमिकल आ गया है, ये स्टेंसिल प्रिंटिंग है, ये आजकल कहीं यूज होती नहीं है, कोई बाय चांस ही कोई यूज में नहीं कर रहा होगा। ठीक है, अरे देखो वॉल पे स्टेंसिल से किया हुआ है सब। हाँ, वॉल पे आपके ये भी तो करते हैं, रंगोली बनाते हैं बहुत से लोग, तो रंगोली का वो आता है फ्रेम आता है, उस पर कलर डाल देते हैं, वो फ्रेम उठा देते हैं, नीचे नीचे कलर आ जाता है, वो भी स्टेंसिल प्रिंटिंग है। बट ये तो फ्रेम उस टाइप का नहीं है, ये तो खाका बनाते हैं रबर प्लास्टिक का वो डाल के। हाँ, प्लास्टिक का है, काट काट के उसको डिजाइन बनाते हैं, डिजाइन बना के उसको छपाई करते हैं बस। हाँ, वही है स्टेंसिल प्रिंटिंग। ठीक, तो इसमें भी क्या है, इसमें एडवांटेज तो ये है सिंगल कलर पॉसिबल है। हाँ, इसमें ये एडवांटेज है सिंगल कलर पॉसिबल है। दूसरा, इसमें जैसे आपको सर्कल बनाना है ना, तो वो एक कुछ कुछ डिजाइन लिमिटेशन इसमें काफी है, सर्कल बनाना है वो आप नहीं बना सकते, ठीक है, बीच में से आपको एक 2 इंच मोटा सर्कल बनाना है, ठीक, तो वो आप इसमें बना नहीं सकते हो। क्यों नहीं बना सकते हो? क्योंकि आप बीच में से कट करोगे तो वो पूरा निकल जाएगा ना, पूरा बाहर हो जाएगा। हाँ, पूरा बाहर हो जाएगा, तो इसमें डिजाइन लिमिटेशंस काफी हैं।
और ये आजकल कहीं यूज होता भी नहीं है। ये बस ये कि हाँ, स्क्रीन प्रिंटिंग का जो डेवलपमेंट हुआ था वो यहाँ से हुआ था। इसमें भी क्या किया है हमने कि भाई जो जो एरिया प्रिंट करना है वो एरिया खुला रख रहा है, बाकी एरिया ब्लॉक्ड है शीट पे। स्क्रीन तो आप जानते हो स्क्रीन में कैसे होता है, आपको पता है ना स्क्रीन कैसे होता है? नो सर। स्क्रीन में क्या होता है, चलो हम बताते हैं आपको आगे कैसे होगा स्क्रीन में। ये है मेन स्क्रीन और स्टेंसिल। स्टेंसिल का एडवांस वर्जन स्क्रीन है। स्टेंसिल जो बनाते थे वो बनाते थे हम पॉलीथीन पे या आपके प्लास्टिक शीट पे। स्क्रीन में जो बनाते हैं वो बनाते हैं टाइटली स्ट्रेस्ड क्लॉथ रहता है, सिल्क का या नायलॉन का। सिल्क का पहले जमाने में यूज करते थे जब आपके ये नहीं चलते थे, नायलॉन नहीं चलता था। आजकल नायलॉन क्लॉथ यूज होता है उसपे, ठीक है। तो नायलॉन क्लॉथ में क्या है कि आप देखोगे उसमें बार पेप्ट के बीच में गैप होता है ना भाई, आप ईपीआई पीपीआई या वो सेट जिसको बोलते हैं हम, वो कैलकुलेट करोगे तो बार पर पेप्ट के बीच में गैप होता है किसी भी कपड़े में। और नायलॉन कपड़ा जो हम प्रिंटिंग में लेते हैं वो बहुत ज्यादा हाई जीएसएम का या टाइटली वोवन नहीं होता है, मतलब वार वेफ के बीच में थोड़ा गैप रहता है ना, वही कपड़ा काम में लेते हैं। तो वो कपड़े को एक वुड के लकड़ी के फ्रेम पे टाइट कंडीशन में स्ट्रेच करके, हम बहुत टाइट स्ट्रेच करके, और उसको चिपकाते हैं या फिक्स करते हैं, पिन मिन लगा के, पुलन लगा के फिक्स कर देते हैं। तो नायलॉन का कपड़ा स्क्रीन पे आ गया। अब उसमें क्या है कि फोर्स तो है ही उसमें, अगर आप उस पर पानी डालोगे तो एक साइड से दूसरी साइड निकल जाएगा, ठीक है। कपड़े से छानते भी तो हैं कोई चीज, फिल्टर करते हैं। तो स्क्रीन प्रिपरेशन के टाइम पे क्या है कि जो जो एरिया आपको प्रिंट करना है कपड़े पे, जैसे डिजाइन बनाना है फूल, तो हम वो एरिया को खुला रखेंगे, बाकी एरिया को कवर कर देते हैं बाय यूजिंग केमिकल्स। वो करते कैसे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। सिंपल सा मेथड है उसका, ठीक। तो जो जो एरिया आपका खुला है जब आप उस पर प्रिंटिंग पेस्ट डालोगे और थोड़ा प्रेशर से अप्लाई करोगे, तो जो जो एरिया खुला है वो एरिया से कलर निकल के दूसरे कपड़े की साइड में चला जाएगा और बाकी का एरिया आपका कवर है। देखो ये है, जैसे मान लो आपके स्क्रीन, ठीक, ये आपको डिजाइन प्रिंट करना है, ये डिजाइन देख रहे हो, ये डिजाइन प्रिंट करना है कपड़े पे। तो ये आपका स्क्रीन है, ये लकड़ी का वो है, और ये आपका नायलॉन कपड़ा है। इसमें हमने ये हिस्सा कवर कर रखा है, जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये हिस्सा खुला हुआ है। अब इस पे आप ब्लैक कलर डालोगे तो क्या होगा, जो व्हाइट हिस्सा है ये खुला हुआ है, तो यहाँ से तो कलर नीचे निकल जाएगा। ये टी शर्ट पर रख के आपने इस पर ब्लैक कलर डाल के, इसको बोलते हैं स्क्वीजी, रबर का एक वो रहता है खींचने के लिए, कार्ड टाइप में, इससे खींचेंगे आप कलर, यहाँ से प्रेशर डाल के यूं खींचेंगे तो ये जो व्हाइट हिस्सा है यहाँ से कलर निकल के कपड़े पर चला जाएगा, बाकी का हिस्सा बंद रहेगा। अभी बनाते कैसे हैं वो मैं तो आपको बताता हूँ कि हम क्या, जो भी हमें डिजाइन बनाना है ना कपड़े पर, जो भी डिजाइन चाहिए हमें, वो डिजाइन हम पहले एक प्लास्टिक की शीट पे बनाते हैं। वो कैसे बनाओगे आप, सिंपल सा फंडा है कि कंप्यूटर पे डिजाइन बना लो आप और उसको प्लास्टिक की शीट पे प्रिंट कर लो, प्रिंटर से, नॉर्मल प्रिंटर अपना रहता है जो। अब ये इसमें चीज ध्यान रखने की वाली जो बात है कि कंप्यूटर पे जब आप डिजाइन बनाओगे ना, तो ये फिल्म देख रहे हो आप, कि जो जो हिस्सा हमें कपड़े पे खुला रखना है, ठीक, जो जो हमें कपड़े को कलर करना है, हाँ, जिस इस पे हमने कपड़े पे कलर करना है वही हिस्सा इस पे ब्लैक कलर से होना चाहिए फिल्म पे। जैसे देख रहे हो ये और ये सेम है, कपड़े पे और जो फिल्म पे डिजाइन बना हुआ है ना वो सेम है, देख रहे हो ना आप ये, हाँ। तो ये हमने फिल्म पे डिजाइन प्रिंट कर लिया, प्लास्टिक की फिल्म, पीटी शीट आती है, इस पे मिलती है आपको नॉर्मली स्टेशनरी शॉप पे मिल जाती है, या बटर पेपर बोल देते हैं, हाँ, बटर पेपर थोड़ा सॉफ्ट होता है, ये थोड़ी पीटी की थोड़ी हार्ड होती है, ये इसकी शीट बटर पेपर ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ये फुल्ली ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, मतलब कंप्लीट ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए फिल्म, तभी आपका स्क्रीन बन पाएगा, ठीक। अब आपने नॉर्मल जो स्क्रीन लिया पहले, तो ये आपने नायलॉन का कपड़ा और ये लकड़ी के फ्रेम पे स्ट्रेच करके बांध दिया, ये इनिशियल आपका स्क्रीन ये होता है। अब हम क्या करेंगे कि हम ये नायलॉन के कपड़े पे एक वो आता है आपके फोटोसिंथेसाइजर करके आता है, फोटो केमिकल आता है एक, तो दो केमिकल आते हैं, वो दो केमिकल मिक्स करेंगे हम, मिक्स करके इसको पूरे स्क्रीन को पूरे को कवर कर देंगे पूरे को, ठीक है, वो केमिकल से। ये आपका नायलॉन का जो वुडन स्क्रीन है इसको पूरे को कवर कर देंगे, पूरे को कवर करके हम ये फिल्म रखेंगे इसके ऊपर,
ठीक है, ये फिल्म दिख रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, और इसको फिर हम आप धूप में एक्सपोज करोगे थोड़ी देर के लिए, 30-40 सेकंड के लिए धूप में रखोगे, हाथ में पकड़ के ऐसे खड़े हो जाओ वाली, और 30 सेकंड्स बस। 30 सेकंड के बाद उसको आप वॉश कर लो। तो फोटो जो केमिकल होते हैं उसकी क्या खासियत रहती है कि जैसे जैसे लाइट पड़ेगी ना जिस जिस हिस्से पे, वहां वहां वो हार्ड हो जाएगा। तो ये तो है आपका ब्लैक डिजाइन, तो ब्लैक है तो ब्लैक ब्लैक हिस्से पे लाइट आएगी नहीं, ठीक, समझ रहे हो आप। ये आपने इस पे रखा जी जी धूप में दिखाया, तो ये ट्रांसपेरेंट है, तो ये ब्लैक कलर से प्रिंट है, तो जो जो हिस्सा प्रिंट है वहां पे लाइट आए जाएगी नहीं, सूरज की लाइट, बाकी हिस्से पे लाइट जाएगी, तो बाकी हिस्सा तो हो जाएगा हार्ड लाइट से, और सिर्फ ये हिस्सा रहेगा सॉफ्ट जो ये ब्लैक कलर के नीचे नीचे है। उसके बाद हम इसको गर्म पानी से वॉश करते हैं, तो वॉश करेंगे तो क्या होगा कि जो जो हिस्सा सॉफ्ट है जिस पे लाइट नहीं पड़ा उससे वो केमिकल निकल जाएगा, सॉल्यूबल होके पानी में से, और बाकी सब जगह पे जो हार्ड हो चुका है वहां केमिकल एज इट इज रहेगा। तो आपके यहाँ के जो पोर्स हैं कपड़े के जो पोर्स हैं वो ओपन रहेंगे, बाकी के ढक जाएंगे, तो ये हिस्सा केवल आपका ओपन रहेगा जो इसमें व्हाइट कलर दिख रहा है, ठीक। तो इसका मेरे पास शायद एक वीडियो होगा, मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, आप उससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कैसे आप स्क्रीन बनाते हैं, ठीक। तो स्क्रीन बनाने में क्या है कि आपको अलग अलग टाइप के फैब्रिक भी आते हैं, वो डिपेंड करता है कि स्क्रीन का कपड़ा जो नायलॉन और पॉलिस्टर का कपड़ा आता है स्क्रीन बनाने के लिए, वो भी अलग अलग टाइप का आता है, तो वो हम किस फैब्रिक को प्रिंट करने वाले हैं उस पर डिपेंड करता है, तो डिजाइन हमको कैसा चाहिए, तो उसके हिसाब से हमको कपड़े का सेट डिसाइड करते हैं कि भाई मोटा कपड़ा सब वाला स्क्रीन है या पतले कपड़े वाला स्क्रीन है। देखो ये अलग अलग टाइप के हैं, ठीक, कपड़े नायलॉन ग्लोव। प्रिंट कैसे करते हैं कि ये है आपका कपड़ा, ठीक, ये है आपका स्क्रीन, यहां आपने पेस्ट डाल दिया, कलर का पेस्ट जो बनाया डाई और थिकनर मिला के पेस्ट लगाया, ये होता है रबर का स्क्वीजी। अब ये स्क्वीजी से हम एक साइड से खींचते हैं दूसरी साइड तक ले जाते हैं, फिर दूसरी साइड से खींच के पहली साइड तक ले जाते हैं, और उसके बाद स्क्रीन को हम उठा लेते हैं। ये हैंड स्क्रीन की बता रहा हूँ मैं आपको बातें, बाद में ये मशीन पे भी होगा, मैकेनाइज तरीके से होगा। उसके बाद कपड़े को आप ड्राई कर लोगे एंड देन वॉशिंग, ऐसे आपका प्रिंटिंग इसमें होगा। तो एडवांटेज ऑफ स्क्रीन प्रिंटिंग क्या है कि ये सिंपल टू ऑपरेट है, डज नॉट रिक्वायर एलोबरेट एंड एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। अगर आप हैंड स्क्रीन प्रिंटिंग कर रहे हो तो, अगर आप मशीन से स्क्रीन प्रिंटिंग कर रहे हो तो आपको मशीन चाहिए, लेकिन ये हाथ से भी आप कर सकते हो। आपके मेनली मैरिज शादियों के कार्ड किसी ने छपते हुए देखे हैं, शादियों के कार्ड? जी सर, वो स्क्रीन से, हाँ, विजिटिंग कार्ड, शादियों कार्ड, वो स्क्रीन प्रिंटिंग ही होती है उसमें मोस्टली आजकल। So this method enables new pattern to be produced quickly. कि आपको क्योंकि स्क्रीन बनाने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है, स्क्रीन पे क्या आप स्क्रीन बना के रखो ऑलरेडी, आपको डिजाइन शिफ्ट करना है स्क्रीन पे, तो वो आपका मुश्किल से आधे घंटे के अंदर डिजाइन शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि प्रिंट निकालना है आपको फिल्म पे, केमिकल लगाना है उस पर स्क्रीन पे, प्रिंट उस पर रखना है और धूप में दिखाना है 30 सेकंड, वॉश करना है, उसके बाद आपका हो जाता है काम। So this method is used for printing knitted rayon fabric which cannot be manipulated satisfactorily on roller printing. मतलब ये roller printing में knitted fabric हम generally क्यों use नहीं करते हैं? क्योंकि वहाँ थोड़ा pressure ज़्यादा लगता है कपड़े पे, strength use, tensile strength आपका rayon में और knitted कपड़ों में थोड़ा कम होता है, stretchability होती है ना इसलिए, तो इसलिए वो हम screen printing पे कर सकते हो आप। Economical process है, ठीक, लगभग लगभग ब्लॉक प्रिंटिंग जैसा ही है। अगर हैंड मशीन प्रिंट, हैंड स्क्रीन प्रिंटिंग करना है तो इजी है। तो एज मैनी 16 कलर्स तक आप इसमें प्रिंट कर सकते हो, लेकिन 16 कलर बाय हैंड स्क्रीन प्रिंटिंग प्रिंट करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक। तो इसमें भी अगर आप हैंड स्क्रीन प्रिंटिंग कर रहे हो तो वही जैसे ब्लॉक में हम 4-5 कलर तक करते थे, तो हैंड स्क्रीन में भी हम 4-5 कलर ही करते हैं। थ्योरेटिकली आप कर सकते हो ज्यादा, लेकिन बाई हैंड स्क्रीन थोड़ा मुश्किल होता है ज्यादा कलर प्रिंट करना। हाँ, मशीन पे आप कर सकते हो क्योंकि मशीन पे तो फिक्स होता है पहले से स्क्रीन, ठीक। तो प्रिंट इसका जो होता है वो अच्छा इंटेंस होता है, ब्राइट होता है,
वर्टिकल लाइन आप इस पे बना सकते हो जो आपके उस रोलर प्रिंटिंग है उसमें नहीं बन सकती, ब्लॉक प्रिंटिंग में जो नहीं बन सकती लाइन वो यहाँ बना सकते हो। तो डिसएडवांटेज क्या है कि भाई अगर आपको हाई प्रोडक्शन चाहिए तो नंबर ऑफ टेबल्स बहुत ज्यादा चाहिए, जो आपको बहुत ज्यादा जगह की रिक्वायरमेंट होगी अगर आपको नंबर ऑफ टेबल्स बढ़ाना है। डेलिकेट शेडिंग एंड ग्रेडेशन ऑफ कलर आर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। शेडिंग मतलब है कि येल्लो से लेके और रेड के बीच के